वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ ऑफ द फर्स्ट राउंड ये आपका आ चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, यहाँ से जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा। ये रहा कट ऑफ। देखो यहाँ पे मिनिमम रैंक और मैक्सिमम रैंक, अगर आपका इस रैंक के बीच में वैरी करता है तो देन आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो आप अपना एक बार देख लीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कैसे मिला है। तो आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको बताएंगे कि कॉलेज अलॉट कैसे होता है, और जिन लोगों का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, और जिन लोगों का अलॉट हो गया पसंद नहीं है वो क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जितना भी कॉलेज वगैरह अलॉट हुआ है तो आप एक बार देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपका कॉलेज अलॉटमेंट का आया होगा, जैसे कि इनको ये यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है, उसी तरीके से आप अपना देख लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है ये कॉलेज, अगर पसंद आता है तो आप इसके ठीक नीचे देख सकते हैं कि ये आपको सारे कुछ लेकर जाने हैं, और फिर आपको पसंद आने पर आप जाइएगा वहाँ पे 3000 आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। कॉलेज पसंद है एडमिशन ले लीजिए, नहीं पसंद है देन आप उस चीज़ में क्या कर सकते हैं, एडमिशन नहीं ले सकते हैं, स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको ना तो सेकेंड राउंड में मिलेगा मौका, ना ही थर्ड राउंड में मिलेगा, कोई भी राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा। लास्ट में जो भी कॉलेज बचेगा उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जो भी आपको देख लीजिए आपका क्या डिसीजन है, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है, जल्दी से देखिए और देखिए आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। नहीं हुआ है वो निराश ना हो, फिर से सेकेंड लिस्ट आएगा, वहाँ पे आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।